मामला अमृतसर का है जिथे एक सुनियार राकेश दे वल्लों अपने मकान मालिक तो तंग आके खुदकुशी कर ली गई। दसिया जा रहा है कि मृतक राकेश नूं मकान मालिक वल्लों करजा दवाया गया सी, जिस परिवार वल्लों इल्जाम लगाया कि मकान मालिक 20% ब्याज खुद लैंदा सी, जिस तों तंग आके सुनियार वल्लों खुदकुशी की गई है। इस मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके पति वल्लों मकान मालिक तो तंग आके एक कदम चुकया गया है। उन्हें कहा कि मकान मालिक ने उसके पति नूं पहला करजा दवाया सी, जिस च कुछ रकम उसने पहला खुद रख ली ते फिर करजे दे विचों भी 20% ब्याज लिया जा रहा है। उन्हें कहा कि पति का सुसाइड मैसेज भी मिलिया है, जिस होर भी कुछ लोगों से इल्जाम लगाए ने। हाँ जी, मेरा नाम सोनिया भाजी। पिंड की गल हुई तुहाडे हस्बैंड नाल, तुसीं क्यों कीती? भाजी कल उन्होंने रात सारे के नाम लिखे आ, ठीक है। एक लोन लिया सीगा ते मालम कारण तो दुखी ही, 20% ते ब्याज लैंदा सी साडे कोल। रेंट ते असीं रह रहे हैं ते राती उन्होंने खाधी, उह कहिंदे मैं पठास करके मैं आत्मा हत्या मैं कर दिंदी, ठीक है। कल भी सारी कुछ दिन खाधा नहीं हैगा उन्होंने। राकेश चौहान सुनियारे आ, वंगा का काम करते ही आर्टिफिशियल। कृष्ण सिंह, एक पूजा, एक लक्की, एक माधव। माधव मेनू इंसाफ चाहिए वा, मेरे बंदे ने, मेरा छोटा बच्चा 5 साल का, मेरा घर तो उजड़ गया ना भाजी, मैं किसी जोगी नहीं रही है, मेरा कोई सोचो हूँ। हाँ जी, मामले च मृतक के भरा का कहना है कि उसका भरा किराए से दुकान करता सी, जिसके कारण वो अपने मकान मालिक तो बहुत तंग सी। इसे ते चलदे उस वालों एक खौफनाक कदम चुकया गया है। उत्थे ही परिवार वालों इंसाफ की गुहार भी लगाई गई है। मकान मालिक कारण बनया, बहुत ब्याज बड़ा खाता रहा, लोग ढोंदा रहा, सीट भराए, किराया नहीं दिता जाता, फिर ब्याज के ब्याज ला के उन्हें बड़ा रुपया खाधा ने। इनू कह रहे, मैं रिक्वेस्ट भी की बड़ी यार मकान मालिक ना, कि इन्हू छड़ दे, कलाती को कुछ नहीं देने जोगा है, कर दे 20% ब्याज लाता उन्हें होर को। किशन सिंह सुनहरे दुकान थले हैगी। हाँ जी, मकान मालिक ने एक लोन तो है माधव पूजा तो लक्की, तीन जने 5 लाख रुपया लोन दवाया, 60,000 रुपया रे पल्ले पाया, दे बाकी सारे पैसे आओ खा गए, दोनों दुखी हो गए, सिस्टम खराब हो गया था। कोई सुसाइड नोट भी लिखा? हाँ जी। मांग करते सख्त सख्त कार्रवाई हो रही, छोटा बच्चा वेखो सारा घर खत्म हो गया था बच्चे का, मेरा छोटा ब्रदर है जी मेरा। उधर इस मामले च पुलिस का कहना है कि उन्होंने शिकायत मिली सी, उन्हें कहा कि फिलहाल जांच कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उन्हें कहा कि परिवार अनुसार मकान मालिक तो तंग आके राकेश वालों खुदकुशी की गई है, पर वो पूरी जांच तो बाद ही कुछ कह सकते ने। हाँ जी, एक राकेश चौहान नाम का एक लड़का है, जिस वाल उन्होंने कंप्लेन आई है कि इन्होंने कोई परेशान से किसी चीज़ को लैके, तो उन्होंने इन्होंने घरदे का कहना इन्होंने सुसाइड की है, वो आप अगर इन्वेस्टिगेट करांगे तो पता लगेगा, जो भी कहेंगे अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे। सर पता लगा मालिक मकान तो दुखी हो कहना कोई सुसाइड की है? मालिक मकान तो ही कह रहे हैं, और भी जो लिखे अकॉर्डिंगली दो जेंट्स ने, एक लेडी का नाम आ रहा पूजा का, तो पता लगा कोई सुसाइड नोट का मैसेज भी छड़िया उन्होंने? साढ़े को एक मैसेज आया वा जिन्होंने आप कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, वो वालों भेजा गया सुसाइड किया, देखो यार मेडिकली पता चलेगा कि सुसाइड की कारण की, मतलब कोई चीज जहरीली चीज खाधी है या फाह लिया? आप चेक कर रहे हैं, फाह नहीं लेता है ना, कोई कह रहे कुछ खाता है ना, इस संबंधी कोई अरेस्ट वगैरह पाई, कोई बंदे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे? जो बयान ने लिखाते ने वो अकॉर्डिंगली अपन जी भी बनती कार्रवाई कर रहे हैं, तो अगे भी जो भी आएगा ये बंदे की अरेस्ट कर। जेकर जो कि सुनियार वालों खुदकुशी की गई है तो परिवार वालों मकान मालिक से इल्जाम लगाए ने, पर उधर मकान मालिक का कोई भी पक्ष हाले तक सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले च मौत दे असल कारण की ने, ये तो जांच तो बाद ही सामने आएगा। अमृतसर तो हरजीत गरेवाल, पंजाबी लोक चैनल।